सकल सुमंगल दायक साईनाथ गुणगान, सादर सुनहिं तितरहिं भौं सिंधु बिना जल जान। चरण गुरु मस्तक ठेवा, शारद वंदन साईं भवानी, कृपा करहूं कहूं साईं कहानी। कारण भक्त उद्धार, श्रद्धा और सबूरी का दिया वो मंत्र उच्चार। सोलह वर्ष की आयु में आया, नीम वृक्ष तल ध्यान लगाया, शिरडी के नर नारी ने देखा, हुए अचंभित रूप निरेखा, तेज पुंज मस्तक की आभा, नयन मूंद प्रभु ध्यान में लागा, उसी पल आई जोर किया भी, दूर किया बालक ने व्याधि, यह सब देख अचंभा लागे, दो कर जोड़ खड़े सब आगे, कुछ दिन बाद वो शिरडी छोड़ा, अपनी राह कहीं फिर जोड़ा। जाने कहाँ गया हुआ वो अंतर ध्यान, मास दिवस बीते बरस घूमे सकल जहां। चांद पाटिल की घोड़ी खोई, खोजत चांद की आंखें रोई, मिला फकीरा बोला आओ, आकर पहले चिलम चढ़ाओ, पूछा फकीरा कोई घोड़ी, बोला बिजली आई दौड़ी, हुआ अचंभित चांद कर जोड़ा, कछु नहीं संशय मन में थोड़ा, बोला चांद प्रभु आप भगवान,
तुम कृपा निधाना, चिमटा से अंगारा लाए, थल से जल एक पल में दिलाए, धूप गांव पाटिल संग गया, साथ बारात फिर शिरडी आया, रुकी बारात मंदिर खंडोवा, गाड़ी से उतरा संत एक युवा, बोले महल सा पतियाओ साई, हाथ जोड़ हुए वो शरणाई, साई नाम तब सब ने जाना, चमत्कारों से जग ने माना, टूटी मस्जिद आए साई, आकर वहीं पे धूनी जलाई, वापस गई बारात पर साई वहीं विश्राम, अपने भक्तों के दुख को बाबा किए तमाम, साई नाथ के आवन से शिरडी भई गुलजार, चहुंदिशी खुशियां छाई जस उजड़े चमन बहार, मंगल भवन मंगल हारी, साई नाम परम हित हारी, साई साक्षात ईश्वर रूपा, मस्जिद बैठे संत स्वरूपा, पांच घरों से भिक्षा लाते, अपने हाथ से उसे पकाते, सब भक्तों को साथ बिठाते, स्वयं हाथों से सबको खिलाते, शिला एक जहां बैठे साई, बैठ के सबकी किए भलाई, बै जा बाई भक्त निराली, खाना भर कर लाती थाली, साई को पहले खाना खिलाती, तब तात्या और खुद भी खाती, महल सापति ताचा संग साई, साथ में सोते बार कमाई, मंगल भवना